हेलो दोस्तों, अब बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पॉइजन एज पर मॉडर्न साइंस। तो इसमें सबसे पहले पॉइजन की बात करेंगे। व्हाट इज पॉइजन? ए पॉइजन इज डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस, चाहे वो गैस हो, लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, विच व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड इन लिविंग बॉडी थ्रू एनी रूट, एनी रूट, चाहे कोई सा भी रूट हो, चाहे इनहेलेशन, रूट कौन कौन से हो सकते हैं, इनहेलेशन, इंजेशन और अब्सॉर्प्शन, विल प्रोड्यूस इल हेल्थ और डेथ। तो पॉइजन किसे कहते हैं कि एक पॉइजन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस विच वेन एडमिनिस्ट्रेटेड, जब किसी लिविंग बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट किया जाए, दिया जाए थ्रू एनी रूट, रूट कोई भी हो सकता है इनहेल कर लिया कोई पॉइजन, हो सकता है किसी पॉइजन को हमने इंजेस्ट कर लिया, अंदर ले लिया, खा लिया, या फिर हो सकता है सरफेस अब्सॉर्प्शन। सरफेस अब्सॉर्प्शन का मतलब होता है कि हमने कुछ ऐसी चीज़ लगाई, कोई क्रीम लगाई जिससे हमें तकलीफ हुई, इरीटेशन हुआ, तो उसको भी हम पॉइजन कहेंगे। विल प्रोड्यूस इल हेल्थ, या तो हमें बीमार करे या फिर उससे हमारी डेथ हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? पॉइजन इज मैकेनिकल, फिजिकल और केमिकल एजेंट दैट प्रोड्यूस एडवर्स रिस्पॉन्स इन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कोई भी हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, फिर केमिकल हो सकता है, जो कि एक विपरीत परिस्थिति उत्पन्न करे एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कुछ नेचुरली प्रोड्यूस पॉइजन होते हैं, नेचुरली प्रोड्यूस्ड पॉइजन, प्राकृतिक रूप से जो पॉइजन प्राप्त होते हैं उनको टॉक्सिन्स बोलते हैं, टॉक्सिन्स। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि एनिमल टॉक्सिन्स जैसे होते हैं, जैसे स्कॉर्पियो, बिच्छू का जो स्टिंग होता है, डंक होता है, या फिर जो मॉस्किटो बाइट, या फिर ये फ्लाईज होती हैं वो बाइट करती हैं, हनी भी वगैरह, तो इनका इनमें जो स्टिंग होता है उसमें पॉइजन होता है, उस पॉइजन को स्नेक बाइट में, इनको विनम बोलते हैं, जो एनिमल टॉक्सिन होता है उनको विनम बोलते हैं, जो कि जैसे स्टिंग और बाइट। ठीक है, जैसे स्नेक बाइट। अब एक स्टेटमेंट आती है, हम सुनने को मिलता है, तो वो स्टेटमेंट हम पॉइजन के लिए यूज में लेंगे। वो स्टेटमेंट क्या है? ऑल थिंग्स आर पॉइजन एंड नथिंग विदाउट पॉइजन, कि जितनी भी चीजें पॉइजन है, ऑल थिंग्स आर पॉइजन, जो भी चीजें हम देखते हैं वो सभी पॉइजन है, नथिंग विदाउट पॉइजन, कुछ भी बिना पॉइजन के नहीं है। तो इसमें क्या है, एक लाइन और जुड़ेगी इसमें, द डोजेज डिटरमाइन, अगर एक लिमिटेड अमाउंट में लिया जाए तो वो हमारे लिए पॉइजन नहीं होगा, बट अगर डोज अगर वेरी कर रहे हैं, जितने लेने चाहिए उससे ज़्यादा हो रहे, तो वो ये डिसाइड करेंगे कि वो पॉइजन है या नहीं। द डोजेज डिटरमाइंस दैट
a thing is a poison or not poison. ठीक, ये हो गया पॉइजन के बारे में, इतना सफिशियंट है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, रूट एंड साइट ऑफ एक्सपोजर ऑफ पॉइजन। रूट एंड साइट ऑफ एक्सपोजर ऑफ पॉइजन, इसमें क्या हो सकता है, इसमें जैसे रूट, किस रूट या फिर किस जगह पे, कौन से मीडियम के, किस तरीके से जो है पॉइजन हमारे जो बॉडी में इंजेस्ट किया जाता है। तो इसमें दो होंगे, एक होगा सिस्टेमिक, एक होगा लोकल। सिस्टेमिक का क्या मतलब हुआ, सिस्टेमिक मीन्स, सिस्टेमिक इन द सेंस कि उसमें कोई स्पेशल चीज इस्तेमाल लिया जाए, किस सिस्टम के द्वारा होगा। और लोकल, लोकल मतलब हमने ऐसे डर्मल स्किन के ऊपर नॉर्मल जो है वो लगा लिया और उससे हमें पॉइजनस इफेक्ट प्राप्त हुए, इसको हम लोग लोकल कहेंगे। सिस्टमिक में बात करेंगे सबसे पहले इंजेक्शन की, हमने उसको इंजेस्ट किया जीआईटी के अंदर, जीआईटी में पॉइजन चला गया तो सिस्टमिक हुआ। दूसरा होगा इनहेलेशन, हमने इनहेल किया और वो एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर चला गया, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला गया, ठीक है, तो ये लंग्स में चला जाएगा, लंग्स के अंदर। थर्ड होगा इंजेक्ट किया अपन ने, इंजेक्शन, इंजेक्शन के थ्रू अपन ने पॉइजन अंदर किया। इसमें क्या क्या इंजेक्शन, इंट्रावीनस आईवी हो सकता है, दूसरा इंट्रामस्कुलर आईएम हो सकता है, और तीसरा होगा इंट्रा पेरिटोनियल, और डीपी पेरिटोनियम के अंदर चला गया तो इंट्रा पेरिटोनियल हो जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्शन ऑफ पॉइजन। एक्शन ऑफ पॉइजन कि पॉइजन किस प्रकार से एक्शन करता है बॉडी पे, एक्शन ऑफ पॉइजन। तो इसमें तीन प्रकार के इफेक्ट हो सकते हैं, पहला लोकल इफेक्ट हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा रिमोट इफेक्ट, और तीसरा हो सकता है क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव इफेक्ट। ये तीन प्रकार के जो है इफेक्ट होंगे जो कि पॉइजन जो है बॉडी पे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोकल इफेक्ट की बात करेंगे, लोकल इफेक्ट, लोकल इफेक्ट, लोकल इफेक्ट, इसमें इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए पॉइजन only affect the area in which it is applied, एक particular area, एक particular area effect करे जहां पे apply किया गया है, तो इसको हम local effect के अंतर्गत लेंगे। इसमें क्या होगा, जैसे corrosive poison है, इरिटेट पॉइजन हुआ, तो इससे क्या होता है, जैसे मान लो कोई वेजिटेबल की वजह से पॉइजन हुआ, तो उससे जैसे किसी नाक में एलर्जी है तो वो एक पर्टिकुलर नोज वाले हिस्से को ही इफेक्ट करती है, तो इसको हम लोकल इफेक्ट कहेंगे, जैसे वेजिटेबल इरिटेंट, इरिटेंट। सेकेंड हम बात करेंगे रिमोट इफेक्ट की, रिमोट इफेक्ट, रिमोट इफेक्ट में क्या होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए पॉइजन अफेक्ट्स द पार्ट्स ऑफ बॉडी that are remote to the site of application,
और पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन, पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जहां पे अपन ने पॉइजन इंजेक्ट किया है, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर कोई पॉइजन है जिसको हमने इंजेक्ट कर दिया, इंट्रावीनसली इंजेक्ट कर दिया, और वो डायरेक्टली जाके हार्ट को इफेक्ट कर रहा है, तो वो ब्लड के थ्रू जाके हार्ट को इफेक्ट किया, तो ये जो है वो एक रिमोट इफेक्ट हो गया कि जहां हम चाह रहे थे वहीं पे पर्टिकुलर जो पॉइजन है उसने इफेक्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्यूम्युलेटिव। क्यूम्युलेटिव का नॉर्मल मीनिंग ये होता है कि थोड़ा थोड़ा, तो क्यूम्युलेटिव में बात करेंगे कि क्यूम्युलेटिव उसको बोलते हैं जो अगर हम एक बार लिया जाए तो कोई या तो इफेक्ट करेगा नहीं या फिर स्लाइट इफेक्ट करेगा, जो हम नहीं देख भी नहीं पाएंगे कितना इफेक्ट हुआ है। लेकिन अगर वो एक लिटिल डोज अगर हम रेगुलर देते जाएंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो वो एक समय बाद एक्यूमुलेट हो जाएगा और अचानक से एक बहुत बड़ा जो है वो अपने को इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो हम बात करेंगे पॉइजंस समटाइम शो नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट शो नहीं करते हैं और ओनली ए स्लाइट या फिर स्लाइट इफेक्ट करेंगे। ठीक है, अंटिल सेवरल डोजेज हैव बीन टेकन, जब तक कि कुछ डोज लिए ना जाए। तो अगर लगातार कुछ डोज लेंगे हम, देन क्या होगा, देन सडनली अगर कुछ लगातार कंटिन्यूसली अगर हम डोज ले रहे हैं देन क्या होगा, सडनली एंड इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड दैट इज इक्वल टू प्रोड्यूस्ड by taking the whole amount at a time, then अचानक से एक इतना इफेक्ट उससे प्रोड्यूस होगा, जितना इफेक्ट उतने पॉइजन को जितना हमने थोड़ा थोड़ा करके लिया उसको सारा ले एक साथ जो लेने के बाद एक साथ जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उतना इफेक्ट वो थोड़ा थोड़ा लेने के बाद होगा, इसी को हम लोग कम्युनिटी इफेक्ट बोलते हैं। जैसे कि फिशेज में देखने को मिलता है DDT के, बायोमैग्निफिकेशन देखा आपने 12th में, तो वहाँ पे जो है DDT थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट होता है और अचानक से जो है फिश डेथ का कारण बन जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर हमने लिया है किस प्रकार से क्या क्या होता है, हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ADME ऑफ पॉइजन। ADME क्या है कि अब्सॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, चार चीजें कि पॉइजन का एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और मेटाबॉलिज्म में उसके बाद उसका एक्सक्रीशन। ठीक है, तो हम इन चार चीजों की बात करें, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। अब सबसे पहले जो पॉइंट